मनीषा और जिया की हुई लड़ाई, बेबिका ने की अभिषेक से अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश। वेल, बिग बॉस के घर में हमने देखा जैक को जिया बताती है कि वो प्यास पलकनाथ को खिलाने वाले टास्क में उनका बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ये बात सुनते ही मनीषा जिया पर काफी ज्यादा भड़क जाती है और कहती है कि वो ग्रुप टास्क था, सबके डिसाइड करने के बाद ही वो टास्क किया गया। वही मनीषा से जिया लड़ाई करती हुई भी नजर आती है। जिया मनीषा के बाबू सोना की सिर्फ कॉन्टेंट होने का उन्हें टोंट मारती है और मनीषा से बदतमीजी भी करती है, जिसके बाद मनीषा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अब तो मनीषा को चुप कराने की कोशिश भी करते हुए दिखाई देते हैं। वहीं बेबिका कहती है कि घर में और भी लोग बदतमीज हैं, ये बात घर वालों को क्यों कोई नहीं बताता। बेबिका अभिषेक से भी कहती है कि उन्होंने स्ट्रॉन्ग कंटेंडर को ही सबसे पहले नॉमिनेट किया, जिसके बाद अभिषेक हंसते हैं और बेबिका का मजाक बनाते हुए भी नजर आते हैं। अभिषेक कहते हैं कि हर मूवी में एक हीरो और एक विलन होता है। बेबिका इसे आई लाइक इट भी कहती है और बहुत ही कैजुअली लेती है। अभिषेक बेबिका के ऐसे बिहेवियर को बिल्कुल भी समझ नहीं पाते। वही अभिषेक बेबिका की एक्टिंग करके पूजा को दिखाते हैं। बेबिका और अभिषेक की वापस से दोस्ती होती हुई भी साफ तौर पर देखने को मिली। अविनाश जी ऐसे अपनी दोस्ती को वापस से सही करते हैं और अब हिसाब बराबर हो जाने की बात भी कहते हुए नजर आते हैं। अभिषेक मनीषा को बताते हैं कि बेबिका ने उनसे आकर कहा कि मनीषा को उनकी जरूरत है। ये बात सुनने के बाद मनीषा थोड़ी हैरान होती है। वही अभिषेक बेबिका को मनीषा का बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, जिस बात को सुनकर मनीषा चिढ़ जाती है। अभिषेक कहते हैं कि बेबिका का प्यार मनीषा के लिए फिर से जाग रहा है। मनीषा कहती है कि बेबिका का सारा नेचर नॉमिनेशन पर ही डिपेंड करता है। आज मैंने उसे नॉमिनेट नहीं किया, इसीलिए वो मेरा इतना ख्याल कर रही है। अभिषेक बताते हैं कि बेबिका उनसे भी मजाक मस्ती कर रही है और सारी चीजों को मजाक में ही ले रही है। वही मनीषा अब तू की मसाज करती हुई भी दिखाई देती है। वाला आपका मनीषा और जिया की लड़ाई के बारे में क्या कुछ है कहना, हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।